हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिक स्टडी। इस वीडियो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। यहाँ पे हमें एक रोलर दिया, यानी एक सिलेंडर, वो गिरा हुआ सिलेंडर है जो रोलर बन गया है। तो फिर इसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, और इस डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। इसका रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, यानी 2 4 8 2 2 42 सेंटीमीटर्स का रेडियस है 84 सेंट, और 120 सेंटीमीटर्स की लेंथ को हम हाइट ले सकते हैं एक सिलेंडर का हाइट, तो 120 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है ये किसी प्लेग्राउंड को ये लेवल करेगा। ये रोड अगर किसी प्लेग्राउंड में चलेगा तो 500 बार ये घूमता है, तब ये पूरा कवर करता है इस प्लेग्राउंड को। तो हमें इसकी एरिया निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका CSA फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो हमें बताया CSA ऑफ रोलर इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πRh, तो हमारे पास 2 है पाई। हमारे पास क्वेश्चन में अगर 3.14 की वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसको हमें से 22/7 लेते हैं। उसके पास रेडियस 42 और हाइट 120 सेंटीमीटर, तो 2 2 4, इससे पहले 7 से कट देंगे, 726, 44 इंटू 6 2 12 6 1 6, 720 इंटू 44 8 4 0 8 8 2। तो ये हमारा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको पहले ही कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हम इससे ऐसे करने से और इजी हो जाए। तो 5 8 40 4 8 1 5 8 4 0 0 0, ये हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका हमारा प्लेग्राउंड का एरिया आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1584000/10000। यहाँ पे एक और जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर, और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ये हमारी कन्वर्जन है जिससे हमने किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।